हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि व्लॉग्स में। तो भाई आज सुबह से उठ चुका हूँ मैं, और आपको मेरे आवाज में सुधार दिख रहा होगा कितना हो चुका है। और अंजलि यहाँ पर लेटी हुई है, अभी रेस्ट कर रही है, क्योंकि मेरी बहन आ गई ना इसका हेल्प करवाने के लिए। अब ये लग रही है काम पे, नहीं काम वाली आ गई हमारे घर में। कहाँ है ये रही, कहाँ है ये रही, ये रही, ये नई काम वाली है हमारे घर में, काम कर रही है, काम कर रही है। और ये महारानी आराम कर रही है। हाँ भाई क्या हुआ, नहीं क्या ऐसे गुल्लक समूह बना के क्या तो क्या साबित करना चाहती है? नहीं ये लेटना क्यों है? बेड रेस्ट कौन सा डॉक्टर बोल, बेड रेस्ट मुँह का नहीं बोलना, माउथ रेस्ट नहीं बोलते हो, माउथ रेस्ट, मुँह का भी रेस्ट कर बेटा। अभी मेरे अभी आवाज़ मेरी बैठी हुई है, सारे ऐसे निकलेंगे वर्ड। अब तो एक एक पॉइंट मत पकड़। और आप देख सकते हो कितनी हैप्पी है, कितनी खुश है। आज इसको गैस भी नहीं चढ़ी, क्योंकि आज इसने गैस सिर्फ छोड़ी है, चढ़ने वाले गैस मिले नीचे। आज इसने हमारा जिन आराम कर दिया था रात को। झूठ नहीं, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो भाई आवाज़ में काफ़ी फ़र्क है, अब लग रहा है मुझे कल या परसों तक बिल्कुल डैनी की तरह आवाज़ हो जाएगी मेरी। डैनी की तरह या उसकी तरह, साकौल की तरह, साकौल की तरह। तो और वीडियो को एंड तक देखना यार, बहुत मस्ती होने वाली आज पूरे दिन में। अंजलि बहुत काम नहीं करने वाली, मैं आज वीडियो आज ये वीडियो बनाएगी। बहुत सारे कपड़े हैं जो कि अंजलि धोएगी, कपड़े बहुत हो रहे हैं, कपड़े धोने आज। मैं क्या मशीन लगा दूंगी, निकाल वो देगी कपड़े। हाँ तो ये भी सही है, मशीन लगा देगी, निकाल वो देगी। डॉक्टर ने इसको दवाइयों के साथ ही हेलमेट भी दिया था, ये पहन के सोना है। ये तब से पहनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों। यार आप रिक्वेस्ट करो कि भाई तू हेलमेट पहन के सोया कर। हाँ तुझे दिया था ये, एक बार पहन के देखिए, एक बार याद है। मैं क्यों पहनूं, अब देखना हेलमेट कैसा लग रहा है। लगा देना, डॉन बनेगा, डॉन बनेगा, डॉन। पता कैसे लग रही है, मोटू पतलू में। ओ बोले 500 रुपये वाला गुब्बारा नहीं आता था बड़े वाला, वो लग रहा था मुँह। तो भाई आज के लिए बस अभी इतना है, मैं जा रहा हूँ। और मैं तो जा रहा हूँ अब ड्यूटी पे, अंजलि के साथ बने रहें और देखते रहें क्या क्या करती है पूरे दिन में। तो चलते मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए बाय। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। 2-2.5 घंटे की पड़ा ना, नहीं ऐसे ही करते सही बन जाती है। अब मैं कल वाली वीडियो कर दूँ एडिट है। तो जी हेलो दोस्तों, सुबह से मैं अब ऑनलाइन आई हूँ, क्योंकि पूरे दिन मैं सो रही थी दवाई खा के। पूरे दिन रेस्ट किया है, सिर्फ मैंने कपड़े धोए और बाकी कुछ नहीं किया, पूरे दिन आराम किया था। तो वही खाना बना रही है वो शाम का कुछ ही, और मैं अभी ही नहाई हूँ 7 बजे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, ना को थोड़ा सही लग रहा है। पूरे दिन मैंने रेस्ट किया है आज मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से रेस्ट मिला है। तो वही है, छोटी बहन की तरह मेरा ख्याल रखती है। और हाँ लगता है कि ननद नहीं है, बहन है। तो यही प्यार के लिए तरसती हूँ मैं, एक बहन के प्यार के लिए, जो कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ छोटी ननद ने दिया है और किसी ने नहीं। तो बहुत ख्याल रखती है, जब भी मैं बीमार होती हूँ कभी मुझे काम नहीं करने देती। और हाँ जब तबीयत में ठीक होती है तब करती भी नहीं है कुछ, लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो पूरा साथ देती है और हेल्प भी करती है और काम भी सारा करती है। और वही है, एक छोटी बहन का प्यार देती है और ख्याल रखती है मेरा। तो अभी वो खाना बना रही है थोड़ी सी रोटी बनेगी और सब्जी है और चावल भी रखे हुए हैं। तो दोपहर को मैं खाना वाना खा कर दोबारा फिर सो गई थी दवाई खाकर, क्योंकि मुझे 2 बार दवाई खानी होती है, सुबह और दोपहर में। तो मैं सो गई थी दवाई खाती, मुझे नींद आती है। तो मैं उठी थी अभी थोड़ी देर पहले, फिर मैं नहाई हूँ, अभी मैंने कुछ खाया है। तो बस खाना बन रहा है, वो लोग भी आने वाले हैं दोनों भाई। और भाई कल हमारा बहुत सैड दिन था, हमारे ताऊ जी चले गए, हमारे परिवार में से एक सदस्य चला गया, दुख है बहुत। तो उनकी बेटी से भी मेरी बात हुई थी, बहुत सैड थी बेचारी, वही है ना, उसका दुख तो वो जानती है उस पर क्या बीत रही है। हम तो सिर्फ एहसास या महसूस ही कर सकते हैं कि उसको क्या लग रहा होगा, लेकिन वो फील कर रहे हैं, वो सब रो रही थी। चलो कोई नहीं, मैंने उसको बोल दिया है कि मैं आऊँगी वेडनेसडे को, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो समझ गई थी। तो आने वाले हैं वो, फिर मैं मिलवाती हूँ आपको दोनों से और मेरे पतिदेव से। उनके गले का क्या हाल है आप देख रहे हो, उनका गला ठीक नहीं हो रहा है यार, आप बता दो क्या करूँ मैं ऐसा जो उनका गला ठीक हो जाए। नमक का पानी भी दे दिया, दवाई भी दे दी, सब खा लिया उन्होंने, पर उनका गला, उनकी आवाज़ ठीक ही नहीं हो रही है। देखते हैं अगर ठीक होती है तो, नहीं तो फिर हॉस्पिटल जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा कुछ हो जाए उनके गले में। यार थोड़ा बहुत गाना गा लेते हैं, वो भी उनका शौक ख़त्म हो जाएगा। तो तबीयत मेरी बहुत सही है, मुझे फुल आराम मिला हुआ है, मॉर्निंग का भी आराम मिला हुआ है। तो सच में छोटी ननद ने सच में छोटी बहन का ही प्यार दिया है और देती है, हमेशा मेरी केयर करती है, और कोई करे ना करे पर वो करती है, और काम भी करती है सारा। नादान है, अभी उम्र ही कितनी है यार उसकी, 16-17 साल में कितना दिमाग होता है, पर धीरे धीरे समझदार भी होती जा रही है और समझती है सारी बातें। तो वही है, खाना बना रही है। मैंने बस मशीन लगाई थी क्योंकि उसको अभी मशीन का इतना पता नहीं है, वो फिर बेचारी कैसे करती। तो कपड़े तो चलो मैंने धो दिए थे क्योंकि कपड़ों में करना ही क्या था, ऑटोमेटिक है, तो इतना कुछ झंझट था नहीं उसमें। तो मिलती हूँ मैं आपको उनके आने के बाद थोड़ी देर। हेलो भाई, तो भाई रात के 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बजे मैडम जी को भूख लगी, अब जूस मांग रही है, जूस तो मेरे को, देखो टाइम देख सकते हो, 3 बज रहे हैं, सॉरी 2:30, तो मैं थोड़ी देर बाद देखी थी, और कितना अंधेरा है देखो। इतनी देर रात को किसी को भूख कैसे लग सकती है यार, ये पता नहीं भूखी डायन क्या है, क्या क्या खा के मान लेगी। कभी बोलती पाँव में दर्द हो रहा है, कभी बोलती भूख लग रही है। चलो देता हूँ इसे जूस, अंधेरे में दिख भी नहीं रही ये बेटा भूखा बाबा मुख दे सकते हो आप। हाँ, ये भूखा बाबा है हमारा, भूखा बाबा। अभी अच्छा क्या और लेगा पानी, सॉरी है मत सोना, क्या करिए सो के। भाई अंजलि के लीवर में गड़बड़ी हो रही है, उसको भूख ज्यादा लग रही है, पता नहीं क्यों। चलो भाई सो जाता हूँ मैं, अभी दोबारा फिर उठाई हूँ थोड़ी देर में, मुझे पता है।